दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। अभी देखिए हम आ गए हैं माधोपुर पंचायत के। यह उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोपुर सरारी का है। यहां पर लिखा हुआ भूमिदाता कौन है सब यहां पर देखिए। हम रंग रोगन के तहत हर पंचायत के जो स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल हो, मध्य स्कूल या उच्च विद्यालय, वहाँ पर जा रहे हैं और आपको खबर दिखा रहे हैं कि क्या काम हुआ है। तो यह ब्लॉक के समीप ही स्थित है और यहाँ पर वीडियो साहब भी रहते हैं, लेकिन अभी तक देखिए इस विद्यालय का ना तो रंग रोगन के तहत किसी भी प्रकार का सौंदर्यीकरण का कोई कार्य नहीं किया गया, जबकि जानकारी हमें प्राप्त है कि विद्यालय के लिए पैसे पहले से ही आवंटित हो चुके हैं। ये देखिए रंग रोगन के तहत अभी तो रंगाई पुताई का काम आपको कहीं से भी दिख नहीं रहा। हम आपको विद्यालय का परिसर के बाहर से ये सारे आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं पोस्ट भी। हम चलते हैं माधोपुर पंचायत के दूसरे जगह जहाँ पर स्कूल का क्या हाल है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये माधोपुर पंचायत का दूसरा विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरारी, प्रखंड मोहनपुर। आपको दिख रहा होगा इस तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। लगातार माधोपुर के अलग अलग स्कूल में जाकर हम आपको खबर दिखा रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है यहाँ की। अभी तक किसी प्रकार का रंग रोगन के तहत ना तो रंगाई पुताई का कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया गया है। इधर देखिए वही स्कूल का इधर और थोड़ा सा बड़ा भवन है जहाँ पर प्लस टू होना था इसको, लेकिन दूसरे एक पंचायत में दूसरे जगह मिल गया इसलिए इसको नहीं मिला। अभी तक रंगारोहण के तहत में किसी प्रकार का कोई काम यहाँ पर नहीं किया गया है। सारे टीचर उपस्थित हैं क्योंकि छुट्टियाँ हैं, बच्चे नहीं हैं, लेकिन टीचर सब उपस्थित हैं। उसके बावजूद हम आपको दिखा रहे हैं ये सारे जो विद्यालय का अभी तक रंगाई पुताई का काम नहीं किया गया है। देखिए हम माधोपुर पंचायत के दूसरे स्कूल पर आ गए हैं जहाँ आपको दिख रहा होगा राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखर पर महतो टोल माधोपुर। यानी कि हम मोहनपुर प्रखंड के लगभग हर पंचायत में जाकर आपको रंग रोगन के तहत क्या विद्यालय में काम किया गया है, जो पैसे आवंटित किया है उसका क्या काम विद्यालय में हुआ है या नहीं हुआ उसकी खबर हम लगातार दिखा रहे हैं। आगे दो दिन पहले तक हम आपको मोहनपुर बघरा का दिखाए, अब आ गए हैं माधोपुर पंचायत में। माधोपुर पंचायत का यह तीसरा स्कूल है और तीसरे स्कूल पर हम आ गए हैं। हमको जानकारी मिला कि माधोपुर पंचायत में भी 5 विद्यालय हैं, तीसरे विद्यालय में अभी आए हैं। यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार से रंग रोगन के तहत रंगाई पुताई का काम तो दिखने को नहीं मिल रहा है। टीचर हैं आए हुए क्योंकि और कुछ टीचर आज इलेक्शन है उस ड्यूटी पर हैं, लेकिन शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और अभी बच्चों का छुट्टी है। 2 तारीख से लगभग खुलेगा स्कूल तो, लेकिन रंग रोगन के तहत यहाँ पर किसी प्रकार का रंगाई पुताई का काम नहीं हुआ। चलते हैं अब इसी पंचायत के दूसरे विद्यालय में और वहाँ का जायजा लेते हैं। चलिए माधोपुर पंचायत के हम दूसरे जगह आ गए हैं। देखिए यहाँ पर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधोपुर लिखा हुआ है। यहाँ पर पेंट का काम तो हमको लग रहा है कि हुआ है, और कब का हुआ है ये जानकारी अभी तक नहीं। यहाँ पर लोगों से जब जानकारी प्राप्त हुआ वो बता रहे हैं कि 2 महीने पहले पेंट किया गया था, रंगाई पुताई किया गया था। खैर चलिए ये चीज़ें तो यहाँ पर देखने को मिली कि अभी या पहले जो पेंट यहाँ पर किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक दूसरी समस्या हमको यहाँ पर देखने को मिली कि देखिए ये बाथरूम है स्कूल का और क्या स्थिति है, दिखना इतना बदबू इस जगह मार रहा है। हम आपको दिखाते चले पूरा, देखिए और सामने ही देखिए इधर ऑफिस में यहाँ पर लोग जो आ गए हैं, यह ऑफिस है और देखिए यहाँ पर रंगारोहण का काम तो किया गया है लेकिन पुराना है। चलिए यहाँ पर कुछ गांव के बीच में ये स्कूल है, यहाँ पर लोग आ गए थे हमें देख करके, लेकिन हम आपको देखिए यहाँ पर जो यथा स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये बाथरूम का टंकी है और ये देखिए बाथरूम है, इधर ये सारे इधर देखिए टॉयलेट है और यहाँ पर उसका टंकी है। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति स्कूल के सामने की। अगर ऐसी स्थिति हो तो बच्चे कहाँ जाएंगे। ये घास फूस इसमें लगा हुआ है, इसी में जा रहे हैं बच्चे। यह प्राथमिक विद्यालय है, उत्क्रमित विद्यालय है, मध्य विद्यालय है। आप सोच सकते हैं कि जब मध्य विद्यालय का यह स्थिति होगा तो किस परिवेश में बच्चे यहाँ पर रहते होंगे। अब चलते हैं दूसरी जगह। यहाँ पर तो हमको खैर मिला जुला यहाँ पर है कि पेंट यहाँ पर किया गया है, मिली जुली यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलते हैं अब दूसरे जगह इस पंचायत के। चलिए अब हम माधोपुर पंचायत के अंतर्गत 5वां स्कूल यानी कि अंतिम स्कूल आ गए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ये अभी तक
इस विद्यालय में रंग रोगन के तहत कलर पुताई का काम तो चालू हो रहा है। आपको हम ये कुछ तस्वीर आपको दिखा दे, देखिए यहाँ पर सामग्री उपस्थित है, यहाँ पर काम अभी छुट्टी का समय है तो काम यहाँ पर चालू है और टीचर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और क्योंकि छुट्टी है इसलिए देखिए आपको हम दिखा दें। अभी रंग रोगन के तहत जो विकास मद की राशि आई उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने लगा है, बिजली का वायरिंग यहाँ पर चल रहा है और रंगाई पुताई के लिए देखिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो देखा जाए माधोपुर पंचायत के अंतर्गत देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, अलग अलग यहाँ का वायरिंग का भी काम चल रहा है और रंगाई पुताई का भी, लगभग यहाँ पर सामग्री उपस्थित है तो काम हो ही रहा है और सारे टीचर अभी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो कुछ टीचर हैं वो भी ड्यूटी में ही हैं क्योंकि चुनाव चल रहा है। तो लगभग यहाँ पर माधोपुर पंचायत का यह दूसरा स्कूल है जहाँ पर हमें रंगाई पुताई का काम एक जगह माधोपुर डी में मिला, जो यहाँ पर देखने को लगभग वो काम रंगाई पुताई का हो चुका था। और यहाँ पर है राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमेश पासवान टोल माधोपुर, तो यहाँ पर अभी रंगाई पुताई का काम लगभग चालू है, बिजली का भी काम यहाँ पर हो रहा है। अभी खैर जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें नहीं दिख रहा होगा लेकिन अभी काम चालू हुआ है तो पूरा आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं पोस्ट भी, अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करते चले, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।